मुंह में रिफ्लेक्शन है कैंसर का, उसका असली कैंसर उसके लीवर में है, समझ गई? लीवर में, गले में, गुदा द्वार में, आंतों में, समझ गई? घर में लग रहा है बहुत बड़े पुजारी हैं, बड़े पूजा पाठी हैं, लेकिन दैत्य पूज रहे हैं, तो घर में दैत्य आएंगे, दैत्य ही रहेंगे। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपने हमको यहाँ ले आए कोटी। खुश रहो बेटा, अब एकदम आप अच्छे हैं। बहुत बहुत कष्ट थे आपके, बहुत कष्ट थे, बहुत कष्ट थे, बहुत। दरगाहों में, मजारों में जाने की जो तीव्र इच्छाएँ होती थी, हैं, टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूँक, इससे दूर रहना है। अच्छा, इसमें कभी नहीं जाना है, सबसे ज़्यादा गंदगी यहीं से आती है, बच के रहना है। आप में जो पागलों की स्मृतियाँ थी, जो आपको पागल बना रही थी, वो सब नष्ट हो गई, अब कुछ शेष नहीं। उसी जो फ्रेनिया था, लगता था कोई है, कोई ये हरकत कर रहा, कोई वो हरकत कर रहा, सब खत्म हो गया। बाइपोलर डिसऑर्डर खत्म हो गया, घबराहट, बेचैनी, उलझन होती थी, सब नष्ट हो गई। हत्या, आत्महत्या के विचार आते थे, क्रोध आता तो लगता था कि क्या कर डालें, कुछ पता नहीं, मर जाएं कि मार डालें, वो क्रोध भी नष्ट हो गया आपका। शरीर से आपको एक स्मेल आती थी, बदबू आती थी, अब है, स्मेल ख़त्म हो गई, और बदबू भी नहीं है। पेट में ऐसा लगता था कुछ है, कुछ घूमता है पेट में, चलता है, बच्चा जैसा महसूस होता था पेट में, वो नहीं है, अब सब नष्ट हो गया। और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें स्पंदन होते थे कामुक, वो भी सब नष्ट हो गया। ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी छाती में, वो भी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई। मुँह से बदबू आती थी, वो भी स्मृतियाँ आपकी नष्ट हो गई। लंग्स में कंजेशन हो रहा था, हार्ट के आपके वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, चलने में थकान महसूस करती थी, ये सब गंदगी भी चली गई। और गुदा द्वार में ऐसे लगता था कुछ चल रहा, कभी कभी कुछ चलता था, कीड़े जैसे महसूस होते थे, मृत्यु का भय बनने लग गया था। यूट्रस में सड़न हो रही थी, रक्त में, हड्डियों में, यूरिनरी ब्लैडर में, गले में कैंसर की स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हुई बेटा, सब कष्ट गए। ऐसे आपका चित्र बन रहा था सूक्ष्म जगत, आपके शरीर में अंदरूनी ऐसे बन रहा था, अंदर के शरीर में, अंदर के अंगों में, यूट्रस वगैरह, ब्रेन वगैरह सब देखिए, ऐसे था। अब ये सब नष्ट हो गया, अभी कुछ भी शेष नहीं, एकदम। मेरी पत्नी को कैंसर है। हैं? मेरी पत्नी के मुंह में कैंसर है। अपनी बात कर रहे हैं बेटा, अभी तुम्हारी बात कर रहे हैं, अभी अभी तो तुम्हारी बात चल रही है, पति कहाँ से आ गए अभी, अभी तुम्हारी कथा चल रही है, अपनी कथा देखो। ये सब तुम्हें था कि नहीं था जो बताते जा रहे हैं? हाँ। तो अब कुछ बचा है, अब कुछ है लग रहा तुम्हें? नहीं, नहीं है, तो ये सब नष्ट हो गया। अपना एक महाहवन करना, अपने और अपने पति के लिए, हाँ। संकल्प में रख करके, ठीक है। मृत्यु तुम्हारे यहाँ बहुत जल्दी थी, एक मृत्यु तुम्हारे यहाँ बहुत जल्दी थी, ऐसे सूक्ष्म जगत में, जैसे बिल्कुल अर्थी बन रही थी बिल्कुल, ठीक है। और पति इस तरह यहाँ पे बंद होकर के अंदर चिल्लाते रहते थे, ऐसे बंधे हुए थे टोना टोटका में, ऐसे। उनके मुंह में कैंसर है, आई बताते जो कुछ है भी सब बताएंगे, ऐसे बंधे हुए थे, चिल्ला रहे, यानी कुछ नहीं कर पाते आपके पति, बिल्कुल बंदी की तरह ऐसे पड़े हुए, ठीक है। ऐसे दबोच रखा, ऐसे पकड़ के रखा हाथ में उसने, खिलौने की तरह दबाता था आपके पति को। ये दैत्य स्मृतियाँ हैं, जहाँ दैत्यों की पूजा होगी दैत्य यही करेंगे। बचना है आपको दैत्यों से और ऐसी गंदी पूजा से। आपको पता ही नहीं होता आप पूजा किसकी कर रहे हो, मूर्ति लगा ली, फोटो रख लिया, आपको लग रहा बस हम तो बस बहुत बढ़िया पूजा कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता आप पूजा किसकी करते हो, कौन गंदगी की पूजा कर रहे हो, और वही गंदगी आप में प्रविष्ट होकर आपको नष्ट करती है। ये समाज में फैला हुआ हिंदुस्तान के अंदर तो ख़ास तौर से बड़े बड़े पुजारी बने बैठे हैं, घर में लग रहा है बहुत बड़े पुजारी हैं, बड़े पूजा पाठी हैं, लेकिन दैत्य पूज रहे हैं, तो घर में दैत्य आएंगे, दैत्य ही रहेंगे, बीमारियां देंगे, और क्या देंगे। ईश्वर की पूजा करते रहोगे बीमारी आएगी क्या आपको? कोई बीमारी मारी नहीं आएगी, कोई कष्ट रोग नहीं। चार महीने से वो खाना नहीं खा पाते, सिर्फ पीते हैं। उनको कैंसर कहाँ का पता है तुम्हें? तुम मुँह मुँह कर रही, मुँह में कैंसर नहीं है उनके? हाँ, मुँह में कैंसर है। अरे भाई
बात सुनो देवी जी, हाँ। उसके मुंह में कैंसर नहीं है, मुंह में रिफ्लेक्शन है कैंसर का, उसका असली कैंसर उसके लीवर में है, समझ गई? लीवर में, गले में, गुदा द्वार में, आंतों में, समझ गई? भोजन नहीं, नहीं, ये लिखा है, पढ़ लो, पढ़ो उसके कहाँ कहाँ कैंसर है। आ रहा पढ़ने में? मुंह में तो रिफ्लेक्शन है केवल, जब आखिरी में गया मुंह में उसका रिफ्लेक्शन ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए आपको मुंह में दिख रहा है घाव। उनके लीवर में, रेक्टम, गुदा द्वार में, आंतों में और भोजन नली में कैंसर है। समझ गई? लिंग में उनके सूजन है, पेशाब करने में कष्ट होते हैं उनको, खून पानी हो रहा है, श्वास फूलती है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, सूख रहा है, छाती में घाव बने हैं और मुंह में घाव है, मुंह में घाव है, देखो लिखा हुआ है, अभी मुंह में कैंसर नहीं बना है, घाव बने हैं मुंह में, जहाँ जहाँ कैंसर बताया ऊपर, यहाँ यहाँ कैंसर है, अभी मुंह में से रिफ्लेक्शन आया है कैंसर का, तो डॉक्टर साहब ने मुँह पकड़ लिया, जहाँ कैंसर वहाँ पता ही नहीं, अब डॉक्टर साहब मुँह चीट डालेंगे, पता लगे आदमी मर जाएगा। समझ गए? यूरेटर में सूजन है उसको, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ भी हैं, ठीक है, और भोजन नहीं करने में मतलब कष्ट है, छाती में चुभन होती है, अंडकोश में उनके छाले पड़ रहे हैं, अंडकोश में अंदर घाव बन रहे हैं उनके टेस्टिस में, कमर में दर्द, सिर में दर्द और आँखों में कैंसर की स्मृतियाँ आ गई हैं, आँखों में भी उनको दिक्कत है, कैंसर की स्मृति हैं, प्रोस्टेट में घाव है, ब्रेन ट्यूमर है, चक्कर आते हैं उनको, ऐसा पूरा बने हुए सूक्ष्म में, अंदर से फाड़ दिया है किसी ने सूक्ष्म, अब सब स्मृति नष्ट हो गई, नहीं बची, सब गंदगी गई, ठीक है। महावन करिए दरबार की ओर से एक निःशुल्क है, असाध रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हो, अच्छा।